दोस्तों नमस्कार, मैं एक बार फिर आपके साथ बिहार की राजनीतिक अपडेट को लेकर उपस्थित हूँ। मैं आज चर्चा कर रहा हूँ आपके साथ कि बिहार में सत्ता से 5 अंक दूर है भाजपा, ये विपक्ष, सिर्फ 5 अंक की ज़रूरत है, और ऐसे देखा जाए तो 4 अंक जो राजनीति के ये समीकरण जो समझ में आ रहे हैं उसके अगर गुना भाग कीजिएगा तो सिर्फ 4 अंक, लेकिन हम उसको 5 अंक इसलिए कह रहे हैं कि अभी उस पर थोड़ी तस्वीर साफ नहीं है। आपको उस वो समीकरण समझाने का प्रयास कर रहे हैं जो बिहार की राजनीति में बन रहा है और बिगड़ रहा है उसके अनुसार। सबसे पहले मैं चिराग पासवान को लेकर आता हूँ। कल लोजपा का स्थापना दिवस था, लोजपा का स्थापना दिवस पर लोजपा प्रमुख चिराग पासवान ने कहा कि मैं बिना स्टार प्रचारकों की फौज के बिहार में 24 लाख वोट लाया हूं और मेरे पास कोई स्टार प्रचारक नहीं थे और मेरे पास कोई उस तरह से धन भी नहीं था कि मैं बहुत कुछ खर्च कर सकूं। हमने अकेले चुनाव लड़कर ना सिर्फ पार्टी की हैसियत को अपने विपक्षी दलों के सामने प्रस्तुत किया है, बल्कि उन लोगों को भी दिखा दिया है कि भैया ना सिर्फ पार्टी में अपना नया जनाधार बनाने की ताकत है, बल्कि आपके जनाधार को समाप्त करने की भी ताकत लोकतंत्र की पार्टी रखती है। इसीलिए लोकतंत्र की पार्टी से बैर लेना आज की तारीख में मुझे नहीं लगता किसी भी राजनीतिक दल के लिए ये संभव है, और इस नए स्वरूप में मजबूती के साथ आने वाले समय में लोक जनशक्ति पार्टी का प्रदर्शन और बेहतर रहेगा। मैंने हमेशा इस बात को कहा है कि शेर का बच्चा हूँ और लोक जनशक्ति पार्टी भी शेर का बच्चा है। इनका इशारा सीधे भाजपा पर था। भाजपा और लोजपा के तलखी के बीच का कारण मैंने आपको सुबह बताया था। फिर एक बार जो मेरे नए साथी जुड़े हैं उनके लिए कि आपको याद होगा कि रामविलास पासवान के निधन के बाद जो राज्यसभा का सीट खाली हुआ है उस पर लोजपा चाहती थी कि रामविलास पासवान की पत्नी रीना पासवान को राज्यसभा भेजा जाए, लेकिन ये इसके लिए भाजपा तैयार नहीं हुई और यहाँ से सुशील मोदी को अपना नया प्रत्याशी बनाया है। लोजपा के नए प्रत्याशी के रूप में सुशील मोदी का केंद्र में जाना इस बात का भी संकेत है कि केंद्र सरकार जो है अब अपने कैबिनेट में लोजपा को मंत्रिमंडल में साथ नहीं लेना चाहती है। उसके जस्ट बाद आज उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद सिंह ने कहा कि लोजपा के मामले में केंद्र नेतृत्व जो है वो देख रही है और इस पे मुझे नहीं कहा कुछ कहना। इतना पर ही नहीं रुके, उन्होंने यह भी कहा है कि जिसके पास अपना जनाधार नहीं है वो क्या मेरे बारे में बात करेगा। कौन सी बात क्यों कह रहे हैं ये सब आप बेहतर ढंग से समझते हैं, इसलिए उस पर कोई टिप्पणी अभी हम नहीं करेंगे क्योंकि हम सब अब आने वाले दिनों में बिहार को किस तरह से लेके चलेंगे अभी वो हमारा विषय है, और चिराग पासवान जी क्या कहते हैं, तेजस्वी जी क्या कहते हैं, उनके कुनबे क्या कहते हैं, केंद्र में सहयोगी आपके तो ठीक है, उसके लिए राष्ट्रीय नेतृत्व उन सारे चीजों को देख रहा है कि उनके साथ हमारा क्या आने वाले दिनों में संबंध होगा, ये सब राष्ट्रीय नेतृत्व उसको देख रहा है। तो आपको यहाँ यह बताएं कि ये जो तारकेश्वर प्रसाद सिंह और चिराग पासवान का जो समीकरण है, जो बीच में विवाद ये संवाद है, इससे लग रहा है कि भाजपा और लोजपा में अब पहले जैसा सब कुछ नहीं है, कहीं ना कहीं गांठ बनता जा रहा है और यह गांठ कितना जल्दी टूट जाएगा इसका कहना अभी थोड़ी जल्दीबाजी होगी, लेकिन इसकी कयास लगाई जाने लगी है कि यह गांठ जो है मजबूती का गांठ नहीं है, यह गांठ टूटने वाला है, जल्दी से टूट जाएगा। गांठ पड़ने से जो कमज़ोर पड़ते हैं रस्सी, वो गांठ है, तो ये रस्सी अब बहुत दिन तक नहीं जाने वाला है। लोजपा, आपको एक चीज़ और बताएं कि कल चिराग पासवान ने यह बात भी बताया अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए स्थापना दिवस पर कि पिछली दफ़ा मैं 2 सीट जीता था जब भाजपा की पूरी टीम हमारे साथ लगी हुई थी, नीतीश कुमार भी लगे हुए थे, तब मुझे 2 सीट मिला। इस दफ़ा मैं बिना किसी सहयोग के, बिना किसी की मदद के चुनाव लड़ा और 24 लाख वोट लाया और 1 सीट प्राप्त किया,
लोजपा इस पे खुश है। दूसरा कि लोजपा के खुश होने का एक कारण और है कि वो नीतीश कुमार को नीतीश कुमार की पार्टी को नीचे दिखाना चाहती थी, वो अपने प्रयास में सफल हो गई, इसलिए ये इस मुद्दे पर भी वो खुश है और यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा अफसोस की स्थिति में नहीं है। मैं बात कर रहा था 5 अंकों की, जो थोड़ा सा विषय से विषांतर हुआ। 5 अंक का जो मामला है उसके पीछे कारण है कि महागठबंधन के पास 110 अपने गठबंधन के जो चुनाव में लड़े थे उसका अंक है, 110 विधायक उसके पास हैं। अभी विधानसभा स्पीकर के चुनाव में AIMI का जो साथ मिला है 5 विधायकों का, 4 की गिनती हुई, 5वां ने दावा किया था कि मैंने भी वोटिंग किया था लेकिन मेरी गिनती नहीं हुई, तो इसलिए उसको 5 अंकों को मान लिया जाए कि 5 अंक वो भी मिल जाएंगे, यानी 115 सदस्यों का इनका समर्थन प्राप्त हो जाएगा। बसपा को महागठबंधन से जोड़ कर देखा जा रहा है क्योंकि बसपा भाजपा के खिलाफ में रही है, तो यहाँ शायद उसे समर्थन मिल जाए। 116 हो गए और 117 एक निर्दलीय है, वैसे तो वो वोट भाजपा कोटा का है और वो वोट स्पीकर चुनाव में NDA के खाते में गया था, लेकिन जो अंदर खाने की सूचना है उसके अनुसार अगर अच्छा ऑफर मिल गया तो वो महागठबंधन की तरफ भी आ सकता है। तो अब ये हो गए 117। अब मैं बात करता हूँ लोजपा की, जो मैं अभी आपको बता रहा था कि गुना भाग कैसे उसके बिगड़ रहे हैं, अगर वो आ गया तो 117 अगर होते हैं तो 5 अंक चाहिए 122 में बहुमत के लिए, और अगर लोजपा का साथ मिल गया तो उसे 4 अंक चाहिए, यानी 4 और 5 अंक के बीच में फंसा हुआ है सत्ता की कुर्सी विपक्ष के पास, और यही कारण है कि विपक्ष लगातार नीतीश कुमार को दबाव में रखना चाहती है। वैसे तो नीतीश कुमार को वो चुनाव के समय से ही जो प्रेशर बनाया है वो अभी तक बनाए हुए है, एक भी समय ऐसा, एक भी मौका ऐसा नहीं छोड़ रही है जिससे वो उस टेंशन से उससे उबर पाए। तो ये चीज़ को विपक्ष समझ रही है कि नीतीश कुमार को अब बहुत ज़्यादा छूट नहीं, सरकार को बहुत ज़्यादा प्रेशर से छोड़ना नहीं है, उसे लगातार प्रेशर में बनाए रखना है। दूसरा चीज़ मैं आपको एक और बताऊं कि ये सरकार का जो है अभी भी यह प्रयास है कि किसी तरह वो 4-5 अंक जो घट रहे हैं उसे किसी न किसी तरह से जो अपने साथ मिलाया जाए, इसके लिए अंदर खाने में विपक्ष की ओर से प्रयास चल रही है और तेजस्वी इसके माहिर खिलाड़ी बनते दिख रहे हैं, इसलिए कि जिस प्रकार उन्होंने लालू का जो वायरल ऑडियो को अपने हिट स्ट्रोक से किनारे किया है, जो पूरा मामला मीडिया में छाया हुआ था, उन्होंने नया सुगुफा छोड़कर विधानसभा में भले ही इसको लेकर किरकिरी हो रही हो लेकिन उसे साइड कर दिया, एक नया बहस छेड़ दिया है, तो इसको लेकर ऐसी कयास लगाया जा रहा है कि तेजस्वी जो है एक उभरते हुए मने हुए राजनेता के रूप में अपना परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तीसरी बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि वो जदयू को अब अपना सॉफ्ट कॉर्नर बना रही है। जदयू के साथ जो अभी सूचना है उसके अनुसार कुछ लोग इसके साथ आने को तैयार हैं, लेकिन जो मेजोरिटी चाहिए, जो टूट के लिए मेजोरिटी चाहिए, वो इसको नहीं मिल पा रहा है, इसलिए वो अभी पीछे से बहुत कुछ साफ नहीं कर पा रही है, लेकिन ऐसी कयास है कि यह 1 साल के अंदर सरकार को फिर से मध्यावधि चुनाव में जाना पड़े या नई सरकार बन जाए, इसका संकेत कल चिराग पासवान ने भी दिया है। इसका मतलब कि अंदर अंदर पीस तैयार किया जा रहा है, देखिए क्या होता है। तो अभी मैंने बताया कि सरकार का 5 अंक का क्या गणित है। उम्मीद है कि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और बेल घंटी दबाना एकदम नहीं भूले। मैंने पहले भी आपको बताया है कि मैं गुड मॉर्निंग न्यूज के साथ साथ राजनीतिक पेज पे भी अब आ रहा हूँ। मुझे जो समर्थन आपका गुड मॉर्निंग न्यूज में मिला है राजनीतिक पेज पे भी मिलेगा। इसके साथ ही मैं आपसे एक आग्रह और किया था कि आपके आसपास जो राजनीतिक हलचलें चलती हैं उससे आप मुझे अपडेट करें। धन्यवाद कि आपका प्रतिक्रिया आना शुरू हो गया है। मुझे पिछले 2 दिनों में करीब 12
इस तरह के सूचना आए हैं, लोगों ने मुझे फ़ोन करके कमेंट बॉक्स पर दिया है, लेकिन इस 12 से पूरा नहीं होगा। जो सूचना आपने दिया है मैं प्रयास करता हूं उसको जांच करके और सीधे आप तक पहुंचाने का। धन्यवाद, नमस्कार।